हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल इज वेल, मजे में हैं, एकदम फिट एंड फाइन। चलिए स्क्रीन पे नजर डालते हैं कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे रेगुलर दर्शक, हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स, भारत का भविष्य, मेरे प्यारे राजा बेटा एंड राजा बेटियां। वी हैव दामिनी, वी हैव निकिता, नैतिक, सार्थक, गुलनाज, सुरभि, जुनैद, राहुल, सना, श्रेया, अलीशा, नाइस नेम, नमस्कार अलीशा जी, आलोक जी, नमस्कार प्रियल, रीना, राहुल, सौर्य, रंजन, जुनैद, सबको प्यार भरा नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन बाय अन अकेडमी विच इज अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, और जिसको अनबीटेबल बनाया है आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों की रिस्पेक्ट ने, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए। राइट जी, सो 100 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, और ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए अपने साथ। जो लोग अभी तक नहीं है हमारे साथ उनको जल्दी से ये लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। राइट, चलिए स्क्रीन पे मेरे पीछे क्या लिखा है जी, कुछ बातें हैं मेरे बारे में, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जान चुका हूं अच्छे से, तो हम एक दूसरे की इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। राइट, आगे बढ़े जी, ग्रेट उमर साहब, क्या कहते हैं आप, आगे बढ़े। अब्दुर, डॉली, मुस्कान, अभिमन्यु, पूजा, अनुपम, रत्ना, कुछ नए नाम भी हैं आज, जिसका मतलब कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया था, आज बात करेंगे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। नेचुरली जेनेटिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है जिसमें अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स के बारे में आपको बताया जाता है। विल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स and problems related to autosomes also. Trisomies होती हैं humans में, trisomy of 21 पढ़ा है आपने, Down syndrome पढ़ेंगे हम, Klinefelter syndrome discuss करेंगे, Turner syndrome, Edward syndrome, Jacob syndrome, right जी? चलिए, so बिना समय waste किए आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ी सी जर्नल बातें कर लेते हैं। Telegram का ये बेहतरीन ऐप आपके सेल फोन में होना जरूरी है। टेलीग्राम के जरिए हम आप तक सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं लेक्चर्स के बारे में। जब आप ये यूआरएल टाइप करें तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, अगर आपने कोई गलती करी तो फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो केयरफुली आप ये यूआरएल जो है टाइप करेंगे। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसके आप जिसपे आपको ये सब फैकल्टी मेंबर्स मिलेंगे, आप मुझे देख पा रहे हैं, आपके अश्वनी सर हैं, ऑल टाइम फेवरेट नमो सर, एंड इवन महेंद्र सर, सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। एक बार प्लस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आइए और एक्सप्लोर करके देखिए। टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन है। ऑब्वियसली बात है, हर इंसान एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन जरूर चाहता है। हर किसी के अपने अलग अलग से परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ हो सकती है। किसी को मेमोरी को लेकर के प्रॉब्लम है, किसी को कंसंट्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट रिवीजन करने में मुश्किल होती है, बैकलॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, किसी का फिजिक्स में थोड़ा सा कमजोर है, केमिस्ट्री है, किसी से बायोलॉजी याद नहीं होती। सो एक पर्सनलाइज्ड जो अप्रोच है जहां पे आपके इंडिविजुअल दुख दर्द का निवारण किया जाएगा, दैट इज दिस प्लस प्लेटफॉर्म। राइट बेटा जी, सो एक्सप्लोर कीजिए प्लस का प्लेटफॉर्म एंड अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप, ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है। और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले सेक्शन पे जाना है। प्लस वाले सेक्शन के बाद आपको नीट एंड एम्स का जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है। राइट जी, एंड सब्सक्रिप्शन लेते समय आप नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, ये आपको पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। इससे जो है आपको टोटल कॉस्ट एनुअल जो है 22,500 रुपए पड़ती है। राइट जी, चलिए आगे देखते हैं। नीट लाइव कोड वंस अगेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। राइट जी, यू विल गेट 10% ऑफ। क्या कोटेशन है आज मेरे पास आपके लिए, कौन सी बेहतरीन बात है। यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। सिंपल सी बात है, आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। एक कदम भी आपने मंजिल की तरफ बढ़ाया है तो बस वो भी काफी है, और उसे आगे कंटिन्यू रखिए। आपको महान बनने की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, लेकिन जी जब आप महान बनना चाहते हैं तो शुरुआत करना जरूरी है। गॉट इट, सो यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बड़ी खूबसूरत सी बात कही गई है। राइट, चलिए एक बार और नजर मार लेते हैं कौन कौन है जी हमारे साथ, और फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। राहुल जी, शंकर, संदीप, संगीता, मोहम्मद, अनुराग श्रीवास्तव, मनीषा, वैशाली, तान्या, गुलनाज, प्रेरणा, सौर्य, अनुपम, वैशाली, नैतिक, दीपक, डॉली, दामिनी, बाबू तुलसी, मिनती, ग्रेट, वंडरफुल जी, वी हैव नियरली 250 पीपल। वार्म अप सेशन हो चुका है, सब एकदम तैयार है इस समय। अब आप सोच रहे हैं कि बस भाई जल्दी से शुरू कर दीजिए, इससे ज्यादा बातें हमने नहीं करनी है आपसे। आपके लिए बेहतरीन सा पीछे मैंने प्लेटफॉर्म भी ये चेंज करवाया है,
जेनेटिक्स को एक हरा रंग दिया है। पता नहीं, देख हरा रंग जब आप देखते हैं तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई पी प्लांट से ही कहानी शुरू हुई थी इसकी, पौधे हैं तो हमने ग्रीन कलर ले लिया यहाँ पे। कल मैंने आपसे एक बात पूछी थी, दैट ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर, बताएंगे जी, बता सकते हैं आप सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी आंख जो है वो कौन से कलर के लिए होती है। शिवेंद्र जी थैंक यू सो मच, राइट, निशा, विशाल, राजेश, ध्रुपद, काव्यांश, अब्दुल, नीरज, सौर्य, ग्रेट, दामिनी, हाँ जी बताइए, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर, हमारी आंखें जो हैं कौन से रंग के लिए। शुभम जी आपका नाम ले लेते हैं, बिल्कुल, हेलो शुभम, कैसे हैं आप? हाँ जी अनुराग बता दीजिए आप। शिवश्री, शुभम पाटिल, आपने हिंदी में अपना नाम लिखा हुआ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसे पढ़ना। कुछ कह रहे हैं जी ऑरेंज कलर, कुछ कह रहे हैं ग्रीन, कुछ कह रहे हैं रेड, ग्रीन। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू ग्रीन येलो कलर, ग्रीनिश येलो शेड जो है उसके लिए हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सबसे ज्यादा सूदिंग जो हमें लगता है ग्रीन लगता है, आपने देखा होगा अस्पताल में बहुत सारी चीजें हरे रंग की होती हैं, ऑपरेशन थिएटर में ब्लू कलर को भी काफी सूदिंग माना जाता है, राइट, हॉस्पिटल के पर्दे आपने देखे होंगे किस रंग के होते हैं। चलिए मेरे राजा बेटा, 300 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक्स हमारे लिए एटीपी का, एनर्जी का काम करते हैं। जब हम स्क्रीन पे देखते हैं लाइक्स तो मजा आ जाता है, एक बूस्ट मिलता है और बेहतर आपको पढ़ाने के लिए, राइट। सो आज की कहानी हमारी क्या है, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, चलिए शुरू करते हैं फिर, इजाजत है जी आपकी, राइट, किशन पांडे जी इजाजत है, आगे कर सकते हैं, बिल्कुल। राहुल जी कह रहे हैं हमारा फेवरेट कलर ब्लू है, नैतिक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सुप्रीता, मनोज, गुलनाज, ग्रेट, राइट। तो अब आ जाते हैं जी हम अपनी आज की लेक्चर की शुरुआत पे, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसको हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड दूसरे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इन दो भागों में बांट लिया हमने ब्रॉडली। पहले जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, ऑटोसोम्स को लेकर के डिसऑर्डर्स हैं, देन उसके अलावा सेक्स क्रोमोसोम्स को लेकर के डिसऑर्डर्स हैं। आपको क्या याद रखना है कि कौन सा डिसऑर्डर किस क्रोमोसोम के कारण है, ट्राइसोमी ऑफ 21 है, ट्राइसोमी ऑफ 18 है, या किसी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा अगर टूट जाता है उसकी वजह से है, और उसके लक्षण क्या है मेन, राइट। आपको कुछ एनिमेशंस, कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा इसमें, ताकि साथ साथ आपको वो चीजें याद रहें, राइट जी, चलिए आगे बढ़े। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, बेसिक सी जानकारी लेते हैं पहले। दीज आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, इनका कारण है एब्सेंस, एक्सेस और द एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम के कारण या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स के कारण भी हो सकते हैं। दीज आर नॉन हेरिटेबल एंड द पेडिग्री एनालिसिस ऑफ अ फैमिली डज नॉट हेल्प इन ट्रेसिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये नॉन इनहेरिटेबल हैं, इसलिए आप जो है अगली जेनरेशन में ये जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या संभावना रहेगी, इसको जान पाना कठिन रहता है। इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम बात करने जा रहे हैं बेटा जी ऑटोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की एंड सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज की। जीनोटाइप आप जानते हैं ह्यूमंस के केस में 2N is equal to 46, 44 plus XX या 44 plus XY। अब यहीं पे हमने देखना है कि ये क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर अगर कम हो जाए या टोटल नंबर अगर ज्यादा हो जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पहले बात करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की, ऑटोसोम्स को लेकर के क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, क्राइडुचैट सिंड्रोम एंड माइलोजीनस ल्यूकीमिया कैंसर, राइट। फिर से देखते हैं, डिस्कस करना है इसमें हमने डाउन सिंड्रोम, बहुत लोग आप में से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे डाउन सिंड्रोम को लेकर के, मैं कुछ पेशेंट्स की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको इसमें और उनके सिम्टम्स भी आप देख पाएंगे, राइट जी। सो एक बार फिर से लिस्ट बोल देता हूं क्या क्या है जो हमने डिस्कस करने हैं। विल बी डिस्कसिंग डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटायू सिंड्रोम, क्राई डू चैट और द कैट क्राई सिंड्रोम, बिकॉज जब बच्चा रोता है तो वो आवाज ऐसी निकालता है जैसे बिल्ली क्राई कर रही है, एंड देन माइलोजीनस ल्यूकीमिया, राइट जी। ये लिस्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किशन पांडे, दामिनी, फैजान, सार्थक, दीपक, रत्ना, सुनील, बिलाल, राहुल, राइट जी, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर या एनिमेशन आप कह दीजिए, या ये जो हमने जीएफ लगाया है आप देख पा रहे होंगे इसमें,
This male and this female, they are both suffering with Down syndrome. हो सकता है आपने आप में से बहुत लोगों ने ऐसे बच्चे या adults देखे भी हों जो Down syndrome से सफर करते हैं. Down syndrome को Mongolian idiocy या Mongolism भी कहा जाता था या अभी भी कहते हैं. Chromosome number 21st chromosome जो है उससे related है. This disorder was first reported in 1866 by Langdon Down. It's an autosomal aneuploidy which is caused by what? Extra chromosome number 21. Chromosome number 21 की trisomy हो जाने से. बेटा देखिए chromosomes का number अगर excess हो रहा है तो भी वो समस्या create कर रहा है. अगर chromosomes का number कम हो जाए तो भी समस्या है. Chromosome का कोई एक हिस्सा कट जाए. Then also that's going to create a problem. एक क्रोमोसोम से कट के वो हिस्सा किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके लग जाए तो भी समस्या है. फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें. राइट बेटा जी. बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर 21 पास इनटू अ सिंगल एग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग ऊजेनेसिस. आप जानते हैं जब ऊजेनेसिस होता है ऊगोनिया में जब ऊसाइट फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया होती है मियोसिस है वहां पे. ऊगोनिया जो है डिप्लॉयड है उनमें ग्रोथ हुआ प्राइमरी ऊसाइट्स बने मियोसिस शुरू हो जाता है. फीमेल के केस में आप जानते हैं कि मियोसिस कई जगहों पे कई स्टेप्स पे रुकता है. पहले डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस 1 पे रुक जाती है. ऐसे ऊसाइट्स को डिक्टिएट ऊसाइट्स कहते हैं. एक फीमेल बेबी का जब जन्म होता है उसकी दोनों ओवरीज में जो ऊसाइट है वो डिक्टिएट स्टेज में होते हैं. धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है प्यूबर्टी की एज आती है ओवुलेशन के समय पे सेकेंडरी ऊसाइट ओवरी से रिलीज होता है वो फिर से मेटाफेज 2 स्टेज पे अरेस्टेड होता है. सो मैं आपको समझाना ये जा रहा हूं कि फीमेल के केस में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है उनके हो जाने की संभावना ज्यादा रह जाती है. राइट क्योंकि एक फीमेल की ओवरी में जितने भी गैमीट्स बनने हैं ऊसाइट्स जो हैं फॉलिकल्स जो हैं उनका टोटल नंबर जन्म से ही निर्धारित होता है. अगर एक फीमेल कंसीव करती है आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स द चांसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर हायर. ये बात आपको रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में भी मैंने समझाई थी. अगर प्रेगनेंसी 30 साल की उम्र के बाद होती है तो इस चीज की संभावना बढ़ जाती है कि जो बच्चे पैदा होंगे उनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तभी हम ऐसी फीमेल्स को जो 30 इयर्स की एज के बाद प्रेग्नेंट होती हैं एमनियोसेंटेसिस जैसी टेक्निक सजेस्ट करते हैं. एमनियोसेंटेसिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक लेकिन उसका नुकसान कहां हो जाता है मिसयूज फीमेल फिटिसाइड में. तो एमनियोसेंटेसिस 30 ईयर की एज के बाद प्रेगनेंसी हुई है या 35 साल की उम्र के बाद हुई है तो संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो ऊसाइट्स ओवरी में पड़े हुए हैं वो जन्म से ही तो पड़े हुए हैं. इनफैक्ट ऊजेनेसिस की प्रक्रिया फॉलिक्यूलोजेनेसिस की प्रोसेस फीमेल बेबी के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है. व्हेन अ फीमेल बेबी इज डेवलपिंग इन द यूट्रस ऑफ द मदर ओवरीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 11th टू 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तभी ऊजेनेसिस शुरू हो जाता है. सो वो स्टॉक ऑफ ओवा ओवरी में प्रेजेंट है जितना वो डिले करती जा रही है उन्हें फर्टिलाइज कराने में उतनी ज्यादा संभावना बढ़ती है. ठीक है तो जैसे ही हमने देखा कि नॉन डिसजंक्शन हो गया है कि दोनों क्रोमोसोम 21 जो हैं हालांकि इक्वल डिवीजन होकर बराबर भागों में बट जाने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो अगर दोनों क्रोमोसोम जो है 21 वो ओवा में आ गए और मेल की तरफ से भी क्रोमोसोम आ रहा है 21st तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाएगी. क्लियर है. बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर 21 पास इनटू अ सिंगल एग. सो एग जो है ऊसाइट जो है ओवरी से रिलीज हुआ वो एबनॉर्मल है वो स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ जब वो जायगोट बना तो उसमें ट्राइसोमी हमें क्रोमोसोम नंबर 21 की मिली. दस द एग पोजेसेस 24 क्रोमोसोम्स राइट जी इंस्टेड ऑफ 23 एंड द ऑफस्प्रिंग हैज 47 क्रोमोसोम्स और वो 47 होगा अगर मेल में डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं 45 प्लस XY इन द मेल. अगर फीमेल के केस की बात कर रहे हैं 45 प्लस XX इन द फीमेल जो कि एक्चुअल में होने चाहिए 46. समझ आई है जी बात. क्लियर है बेटा आपको. राइट नैन्सी साहेब निकिता शिवांगी श्रेया हर्ष ट्राइसोमी का मतलब बेटा तीन सेट में थ्री ट्राई रेफर्स टू थ्री. राइट जी क्लियर है बेटा जी. बताइए जल्दी से अगर आपको ये चीज क्लियर है बिल्कुल डाउन सिंड्रोम तो आप थम्स अप साइन भेजिए और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लाइक करा है अभी तक जल्दी से लेक्चर लाइक कर दीजिए एनर्जी भेजते रहिए. सिम्टम्स की बात करते हैं बेटा. डाउन सिंड्रोम के केस में पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो देख करके पहचान सकते हैं जैसा मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपने ऐसे बच्चे देखे भी होंगे. राइट
क्या क्या सिम्टम्स है जी? देर इज राउंडेड फेस एंड ब्रॉड फोरहेड. माथा जो है वो बहुत ब्रॉड होगा, बहुत चौड़ा होगा. राइट जी. नेक्स्ट, परमानेंटली ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग. मुंह जो है बच्चों का खुला रहता है और जुबान जो है वो बाहर रहती है. परमानेंटली ओपन माउथ. ओके. प्रोजेक्टिंग लोअर लिप एंड शॉर्ट नेक. गर्दन जो है पेशेंट की छोटी होती है, लिप जो है काफी प्रोजेक्टिंग होता है आगे की तरफ. फ्लैट हैंड्स एंड स्टबी स्मॉल फिंगर्स, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर्स. देर इज ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पामर क्रीज विच रन्स ऑल द वे अक्रॉस द पाम एंड मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड फोल्ड्स. एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं आंखों के पास. तो गर्दन छोटी है, राइट, राउंड फेस है, ब्रॉड फोरहेड, परमानेंटली ओपन माउथ विद द प्रोट्रूडिंग टंग. इनके केस में जो गोनैड्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द जेनिटल ऑर्गन्स, दे आर ऑल्सो अंडर डेवेलप्ड. राइट जी, क्लियर है? दे आर अंडर डेवेलप्ड. मैंने ये नहीं कहा कि वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, अंडर डेवेलप्ड बोला है. राइट जी, क्लियर है जी? सार्थक साहब, वेद व्यास जी, माधव, प्रेरणा, समीक्षा, क्लियर है जी? किशन पांडे कह रहे हैं वो सेंस कैसे करते होंगे. बेटा ऐसा नहीं है कि उनमें सेंस नहीं है किसी चीज की, आईक्यू लेवल कम होता है कंपैरेटिवली. यहाँ पे एक बच्चा दिखाया गया आपको जो डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है, आप देख सकते हैं उसमें जगह जगह सिम्टम्स भी लिखे हुए. फ्लैट एंड राउंड फेस, आलमंड शेप्ड आईज विद स्किन फोल्ड कवरिंग द इनर कॉर्नर. आंखों के इनर कॉर्नर में स्किन फोल्ड्स होते हैं जिनको एपिकेंथल फोल्ड्स कहते हैं. आप गूगल पे इमेजेस भी चेक कर सकते हैं इस वर्ड को लेकर के, आप समझ जाएंगे एपिकेंथल फोल्ड्स किसके लिए यूज किया गया है. राइट जी, क्लियर है? स्मॉल नोज, माउथ एंड ईयर्स. और एडल्ट होने के बाद कैसा दिखता है पेशेंट, वो मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर दिखाई है. क्लियर है जी? डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर 21, राइट. इट अफेक्ट्स 1 in 750 बेबीज. 750 में से एक बच्चे को ये प्रोबेबिलिटी दिखाई गई है, इसकी परसेंटेज दिखाई गई है. आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो अपने आप मिसकैरेजेस होते हैं, अबॉर्शन जो हो जाते हैं अपने आप, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जिसे कहते हैं, उसमें से अक्सर ज्यादातर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं. मान लीजिए ऐसा एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हुआ मदर के यूट्रस में जिसमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंप्लीट ही नहीं हो पाती. ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि मिसकैरेज हो जाता है. राइट जी, सो लिखा है इट अफेक्ट्स 1 in 750 बेबीज एट बर्थ, बट ओवर हाफ ऑफ द फीटसेस सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम अबॉर्ट स्पॉन्टेनियसली. मिसकैरेज हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं. द नॉन डिसजंक्शन इज मोर इन फीमेल्स. मैंने बताया ना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जो हम बात कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन वाली, वो फीमेल्स में होने की संभावना ज्यादा होती है. उसकी वजह भी मैंने बताई, क्योंकि फीमेल में ऊसाइट हर समय फ्रेश नहीं बन रहे, वो ओवरी में पड़े हुए हैं पिछले काफी सालों से, काफी ईयर से, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे. तो जितना ज्यादा एक फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को डिले करती है, उतनी ज्यादा संभावना हो जाती है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे. राइट जी, लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिसऑर्डर इंक्रीजेस विद मदर्स एज. यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था. क्लियर है? डाउन सिंड्रोम इज क्रिस्टल क्लियर. आगे बढ़ सकते हैं. शिवेंद्र ने सही कहा है जी, बिल्कुल कह रहे हैं जी, गुड इंफॉर्मेशन. ओके अनुराग, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है. राइट, नेहा, दिया, प्रेरणा, सुनील, अब्रार, राइट. पेडिग्री का टॉपिक भी कराएंगे बेटा, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, चिंता मत कीजिए. बिल्कुल सोनम कटियार, आपने सही कहा कि नॉन डिसजंक्शन की संभावना वहां पे ज्यादा होती है. डेफिनेटली अब्रार अंसारी, आपकी रिक्वेस्ट भी ली जाएगी, विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक. वेरी गुड. कबेरी कह रही है जी क्रिस्टल क्लियर, दैट्स ग्रेट. चलो जी, थम्स अप साइन दीजिए और इशारा दीजिए मुझे कि हम आगे बढ़ सकते हैं. और जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करा है अभी तक, जल्दी से एनर्जी के साथ. ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा. छोटे छोटे बच्चों को जब आप देखते होंगे कि इस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो खुद भी इंसान को बड़ा हेल्पलेस सा फील होता है. बिकॉज बेटा ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है. किसी को अगर डाउन सिंड्रोम है तो आप उसके क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ठीक नहीं कर सकते. अगर बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम है जिसमें बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो आप उसमें हेल्प नहीं कर सकते. सो जेनेटिक्स का फील्ड अभी बहुत एडवांस हो रहा है. इंशाल्लाह आप में से आगे जाकर के कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सीनियर जेनेटिस्ट भी बनेंगे. शायद आप कुछ इलाज निकाल पाएं, शायद आप कुछ कर पाएं इन चीज़ों में कि इस तरह के बच्चे भी एक बेहतरीन जिंदगी जी पाएं.
एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से. आप देखिए ट्राइसोमीज ज्यादा हैं, राइट. इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय एडवर्ड इन 1960. दिस सिंड्रोम इज ड्यू टू, आपको कारण याद रखना है, आपसे कारण पूछा जाएगा. द रीजन इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18. इट अकर्स मोर ऑफन इन फीमेल्स देन इन मेल्स. फिर वही बात जिसका कारण मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, नॉन डिसजंक्शन वाले जो केसेस है ज्यादातर फीमेल में मिलेंगे. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एबनॉर्मैलिटी इज अबाउट 1 8000. 8000 बच्चे पैदा होते हैं तो एक को ये डिसऑर्डर हो सकता है, राइट जी. ये हमने स्टैटिस्टिकली जो हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट किया है, हमने जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं उसके आधार पे हम ये रेशो आपको बता रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम की, राइट जी. क्या लक्षण होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम पे, आप देख सकते हैं ये बच्चे का हाथ, छोटे बच्चे का मुट्ठी बड़ी जोर से भींच के रखते हैं बच्चे, बंद करके रखते हैं, क्लेंच्ड फिस्ट कह देते हैं हम उसे, राइट. कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये चीज देखने को मिलती है, क्लेंच्ड फिस्ट. मैंने इसलिए आपके लिए स्पेशली पिक्चर भी लगाई है ताकि आप इसे समझ पाएं. वैसे नॉर्मली भी एक जो हेल्दी बेबी पैदा हुआ है बच्चा अपनी मुट्ठी बंद रखता है. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, बच्चा मुट्ठी बंद क्यों रखता है? चलिए सार्थक जी आपसे पूछते हैं. रत्ना, नैतिक, इशाश्री, कावेरी, वेदव्यास, सुमन, सार्थक, माइनुद्दीन. माइनुद्दीन आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, आपने कहा क्यों होता है. अंजलि, राहुल, सईदा, सुहेब, आरती रानी पूछ रही है क्लास बेटा 4 बजे शुरू होती है. एवरीडे आई मीट यू एट 4 PM. 4 बजे से 5 बजे तक मैं आपके साथ होता हूँ. हाँ जी बताइए बेटा, आपने छोटे बच्चों को देखा है अक्सर? ये तो हम चलिए जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ. न्यू बॉर्न बेबी हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का बच्चा आप देखेंगे, बच्चे अपनी मुठ्ठियाँ बंद रखते हैं. आप उनकी हथेली पे अगर अपनी उंगली रखेंगे ऐसे तो वो फिंगर क्लेंच कर लेंगे, ये एक रिफ्लेक्स है, बच्चा मुठ्ठी बंद रखेगा. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? सुनिए इसकी वजह क्या होती है बेटा. वी आर प्राइमेट्स, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज आर प्राइमेट्स. प्राइमेट्स का जो लोकोमोशन रहा है प्राइमरिली आर्बोरियल रहा है, पेड़ों पे. बंदर जो है पेड़ों पे लटकते हैं, पेड़ों की टहनियों से लटक के आगे आगे बढ़ते हैं. सो उसके लिए ये फिंगर्स को क्लेंच करना जरूरी है. पेड़ की टहनी से लटकना है तो ऐसे ही तो टहनी पकड़नी पड़ेगी. ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, हम प्राइमेट्स हैं, वो प्राइमेट्स वाले फीचर्स हम में भी हैं, बिकॉज एंसेस्ट्री तो हमारी वही है ना. इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए तो वो हमारे जीन्स में करेक्टर है कि एक छोटा बच्चा जो है वो सहारा ढूंढ रहा है, उसको लगता है कि उसने किसी चीज को पकड़ रखा है, वो सेफ है. मदर के यूट्रस में भी जब बच्चा होता है तो मुठिया ऐसे भींच के रखता है, राइट जी. आपने एनिमल्स में भी देखा होगा, बंदर के बच्चे को देखा होगा अगर आपने, मंकी को, तो वो भी अपनी माँ के साथ ऐसे चिपक करके लगे होते हैं ना, क्लेंच देयर फिंगर्स, बिकॉज दैट टेंडेंसी इज देयर इन योर जीन्स. वी आर प्राइमेट्स. Primates, they show a special form of locomotion called brachiation. Brachiation means swinging from one tree branch to another. बंदरों को आपने पेड़ों की टहनियों से छलांगे लगाते हुए देखा होगा. वो इसीलिए वो करेक्टर, वो फीचर जेनेटिकली हमारे जीन्स में है कि बच्चा जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करता है, उसे एक सहारा चाहिए, वो किसी भी चीज को ऐसे करके पकड़ना चाहता है कि वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को. Now you got it? Is it clear? Right, जी? बोलिए जी, सही फैक्ट है ना. सोनम कटियार, अंजलि, रत्ना, वासु, प्रियल, शिवांगी, राहुल. तो आज ये एटाविज्म मत कहिए इसको, एक स्टूडेंट एटाविज्म लिख करके भेज रहे हैं. प्लीज प्लीज आपने एक टर्म सुन रखा है उसे हर जगह पे मत अप्लाई कर दीजिए. एटाविज्म इज समथिंग एल्स, इट इज सडन रीअपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल कैरेक्टर. दिस इज नॉट सम सडन रीअपीयरेंस, इट इज ऑब्वियसली देयर, इट्स अ फीचर इन आवर जीन्स. तो आप एटाविज्म जो लिख करके भेज रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं बिल्कुल. हाँ जी क्लियर है जी, तो आपको अच्छा लगा. चलिए ये बात आपको क्लियरली समझ आई, एक नया फैक्ट मैंने बताया, तो इसी बात पे ढेर सारे लाइक्स बनते हैं. जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं करा अभी जल्दी से लाइक कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा जब आप इवोल्यूशन की क्लासेस मेरे साथ अटेंड करेंगे. जेनेटिक्स के खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इवोल्यूशन, राइट जी. सो बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की. मैंने आपसे कहा द अफेक्टेड पर्सन कीप्स द फिंगर्स टाइटली क्लेंच्ड अगेंस्ट द पाम ऑफ द हैंड. अदर सिम्टम्स आर, इसके अलावा और सिम्टम्स क्या है, जॉ बहुत छोटा होगा, कान जो है वो डिफॉर्म्ड होंगे, मुंह छोटा होगा, नोज एंड फिंगर्स जो है वो छोटे हैं, देन स्मॉल स्टर्नम एंड द पेल्विस. इस तरह का बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है और इनका लाइफ स्पैन कुछ ज्यादा नहीं होता. कुछ बच्चे तो कुछ दिनों में ही जो है उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो जी जाए मैक्सिमम तो 6 महीने तक, राइट जी. क्लियर है मेरे राजा बेटा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. नाउ
आपने इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर भी शायद कुछ बच्चों में देखा हो. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चे का ऊपर वाला होंठ कटा हुआ है. कैन यू सी क्लेफ्ट पैलेट जिसे कहते हैं. इसे सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है. कई केसेस हो जाते हैं क्लेफ्ट पैलेट कई सारे क्लिनिकल केसेस का सिम्टम हो सकता है. यहाँ पे हम पटायू सिंड्रोम की बात कर रहे हैं जो कि क्रोमोजोम नंबर 13 के कारण है, ट्राइसोमी. राइट जी, देखिए, इट वॉज डिस्क्राइब बाय पटायू इन 1960. इट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम नंबर 13. और 20,000 में से एक, ये प्रोबेबिलिटी 20,000 में से वन, 20,000 बच्चे अगर पैदा हुए तो एक बच्चे को ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है. अभी तक हमने जो देखे हैं, आपने देखा सबसे पहला जो डाउन सिंड्रोम था उसकी संभावना सबसे ज्यादा थी. राइट जी, नाउ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो वेरी लेस, 4 मंथ्स. राइट, नाउ इसमें क्लेफ्ट पैलेट होता है. ये क्लेफ्ट पैलेट आपने और भी कई केसेस में देखा होगा. सर्जरी करके इसे ठीक कर दिया जाता है बेटा. राइट जी, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं. ओके ग्रेट. सिम्टम्स क्या है? सिर छोटा होगा, देर इज स्मॉल हेड एंड एबनॉर्मैलिटीज ऑफ द फेस, आईज, फोर ब्रेन, क्लेफ्ट लिप एंड द पैलेट. पैलेट समझते हैं आप बेटा, तालू, ऊपर वाला जो है पैलेट, उसको बोलते हैं. टंग से आप टच करके ऊपर को पैलेट फील कर सकते हैं. लो सेट डिफॉर्म्ड ईयर एंड स्मॉल चिन, ठुड्डी जो है वो छोटी होगी, कान छोटे और नीचे की तरफ होंगे, क्लेंच्ड हैंड्स होंगे इसमें भी. राइट, ठीक है, आगे बढ़े. दैट वाज पटायू सिंड्रोम. क्लियर है जी आपको? अभी तक मैंने आपको 3 सिंड्रोम्स बताए, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, एडवर्ड सिंड्रोम रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 18, पटायू सिंड्रोम रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 13. ओके, आगे बढ़ते हैं. Another important thing, this is cry do chat syndrome or the cat cry syndrome. The affected newborn cries like mewing of a cat, जैसे बिल्ली म्याऊ करती है ना, इस तरह से बच्चा जो है वो रोता है, उसके रोने की आवाज जो है वो इस तरह से लगती है, इसलिए हम उसे cry do chat syndrome कहते हैं. वेद व्यास जी, प्रिंसी, शिवेंद्र, हर्ष, मुस्कान, तान्या, अंजलि, अनिल, समीक्षा, रत्ना वर्मा, क्लियर है, वेरी गुड, बिल्कुल जी, सभी है. आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी, देखिए इधर, क्राई डू चैट सिंड्रोम आप यहां पे देखा आ रहे हैं. दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज द डीएनए, 46 है यानी 23 पेयर्स हैं. ये शॉर्ट आर्म है, सेंट्रोमियर, लॉन्ग आर्म. क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या हो रहा है, आगे पढ़ते हैं. नाउ इसको क्राई डू चैट कहा क्यों हमने, उसका कारण बता दिया. द पेशेंट क्राइज लाइक अ कैट. इस कारण से, दिस कंडीशन इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ हाफ पार्ट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5. क्रोमोसोम नंबर 5 जो है उसमें, यहां पे लिखा भी आ रहा है ना, पार्ट ऑफ वन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग. राइट जी, 5p, शॉर्ट आर्म को p लेबल करा हमने. सो ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 5 से रिलेटेड है क्राई डू चैट सिंड्रोम. ओके जी, आगे बढ़ सकते हैं. इधर देखिए, राइट, क्रोमोसोम्स आपको दिख पा रहे हैं और इसमें हमने क्रोमोसोम नंबर 5 को यहां पे हाईलाइट कर दिया और कटा हुआ दिखाया है. आप इसे गौर से देखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 5 का ऊपर वाला आर्म कट दिखाया गया है. राइट बेटा जी, सिम्टम्स क्या है? सिर छोटा होगा, वाइडली स्पेस्ड आईज होंगी, आंखें जो है वो वाइडली स्पेस्ड है, मून लाइक फेस, द क्राई लाइक किटन विद रिसीडिंग चिन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज. राइट, हार्ट यानी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में होंगी इसमें. सो क्राई टू चैट रिलेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 5. क्लियर है राजा बेटा? राइट, चलो जी, ग्रेट. अबरार अंसारी जी, समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल क्लियर है. राहुल रवेल, हमने पढ़ लिया है बेटा, एडवर्ड सिंड्रोम आपको बता चुका हूं पहले. ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे. मायलोजीनस ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जिसे आप कैंसर के नाम से भी जानते हैं. कैंसर दैट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स. कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, कुछ वायरसेस भी देखे गए हैं जो कैंसर कर सकते हैं. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर करता है. इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं कैंसर के. क्रोमोसोम्स के लेवल पे भी क्या कैंसर का कुछ कारण हो सकता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का जिक्र किया था हमने, क्योंकि फिलाडेल्फिया में सबसे पहले ये चीज रिपोर्ट करी गई थी. देखते हैं जी क्या होता है मायलोजीनस ल्यूकीमिया. इसका कारण बनता है डिलीशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22. आप देखिए क्रोमोसोम नंबर 22, यहां पे आपके सामने क्रोमोसोम बना के दिखाए गए हैं. ग्रीन कलर से क्रोमोसोम 22 दिखाया मैंने, क्रोमोसोम नंबर 9 दिखाया गया है इस रेड कलर से. नाउ
क्रोमोसोम टूटा, क्रोमोसोम नंबर 22 टूट करके आप देखिए वो किसके साथ जुड़ गया, क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ जुड़ गया, ऐसा भी हो सकता है. सो लिखा है इट इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22 एंड इट्स एडिशन टू क्रोमोसोम नंबर 9. दैट्स रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. पढ़ना है हमने अभी ट्रांसलोकेशन के बारे में भी. द डेफिशियंट 22nd क्रोमोसोम whose little segment from long arm is deleted is called Philadelphia chromosome as it was first reported in the place Philadelphia in 1959. समझे जी, एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूटा और वो टूट करके एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया. क्लियर है जी? बिल्कुल जी राहुल कुमार, कल हम लिंकेज ही डिस्कस करेंगे. कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो लिंकेज पर होगा. लिंक्ड जीन्स क्या है, अनलिंक्ड जीन्स क्या है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, सिस अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, लिंक्ड जीन्स, ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. राइट जी, आपको इतनी बात समझ आई? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, आप देखते हैं कि इसमें होता क्या है. कैंसर हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड an unregulated growth of myeloid cells in the bone marrow. आप जानते हैं bone marrow hemopoietic tissue है, bone marrow से ही RBC, WBCs, platelets बनते हैं. So जब bone marrow का जो myeloid tissue है जिसने WBCs बनाने हैं, abnormal way में जब वो cells बढ़ने लगेंगे, that is going to result in the cancer of the white blood cells. Right? There is excess production of the granular leukocytes. Leukocytes WBC का ही दूसरा नाम है. आप जानते हैं बेटा, leukocytes WBCs का ही तो नाम है. और WBCs दो प्रकार के होते हैं, granulocytes, agranulocytes. Granulocytes have enzyme-rich lysosomal granules. Agranulocytes do not have those enzyme-rich lysosomal granules. तो इसमें क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स. ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स कौन से हैं? देयर आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिक ग्रेन्यूलोलाइटिक ल्यूकीमिया और क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकीमिया, CML, क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकीमिया. क्रोमोसोम्स के लेवल पे हो जाने वाली गड़बड़ अपने आप को किस हद तक मैनिफेस्ट कर सकती है वो आप देख रहे हैं. कई तरह के सिंड्रोम्स हो सकते हैं और कैंसर तक भी हो सकता है. क्लियर है मेरे राजा बेटा? राइट जी, बिल्कुल सोनम आपने ठीक लिखा है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स. तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स किसके लिए टर्म यूज किया जा रहा है, ग्रेन्यूलोसाइट्स के लिए. डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है ये. राइट जी, क्लियर है? कोई डाउट है आप साथ के साथ लिख सकते हैं, मेरी नजर स्क्रीन पे है इस समय. समीक्षा कह रही है जी एम्स दिल्ली मेरा टारगेट है. बढ़िया है जी, दैट्स वंडरफुल. मेहनत करिए और विश्वास रखिए अपने गुरु पे जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, और आपके घर परिवार वालों की गुड विशेस आपके साथ हैं, तो एम्स दिल्ली का रास्ता भी दूर नहीं है जी. हाँ जी, बढ़े आगे. चलिए, वंडरफुल. ये जो अभी अभी हमने डिस्कस करे दोज वर रिलेटेड टू द ऑटोसोम्स, है ना. ऑटोसोम्स में हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ लिया, उसके अलावा हमने बात करी क्राइडुचैट सिंड्रोम की, पटायू सिंड्रोम की, एंड देन ल्यूकीमिया. राइट, अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज. एबनॉर्मैलिटीज सेक्स क्रोमोसोम्स में भी तो हो सकती हैं. XXY आपने सुना है, XO या X0 कह देते हैं जिसे, टर्नर सिंड्रोम. राइट, तो आपके सामने है, हम डिस्कस करेंगे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल्स और द सुपर फीमेल्स एंड सुपर मेल्स आल्सो. वाई क्रोमोसोम अगर ज्यादा हो गए संख्या में, या एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया संख्या में, सुपर मेल या सुपर फीमेल से ये नहीं कि कोई सुपर पावर्स आ जाएंगी उसमें. राइट जी, इसको जेकॉब सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसमें क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ती हुई देखी गई है. वाई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाने से देखा गया है कि भाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहता है इन मेल्स में, और एग्रेशन लेवल ज्यादा हो जाता है, और देयर इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स द क्रिमिनल बिहेवियर. हालांकि इसको लेकर के जब रिसर्च हो रही थी तो काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, और बहुत सारी रिसर्च की फंडिंग भी बैन कर दी गई थी कि भाई आप जबरदस्ती किसी के हार्मोनल लेवल को बिहेवियर के साथ रिलेट कर रहे हैं. सो पढ़िएगा, आप कभी गूगल में इसके बारे में आपको पता चलेगा. राइट जी, चलिए डिस्कस करने जा रहे हैं हम टर्नर सिंड्रोम.
टर्नर सिंड्रोम में क्या है, इट्स ड्यू टू मोनोसोमी. मोनोसोमी का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने ट्राइसोमी पढ़ा था कि 21 क्रोमोसोम तीन कॉपी में आ गया, यहां पे मोनोसोमी यानी कोई एक क्रोमोसोम जो दो डोजेज में होना चाहिए वो नहीं है, राइट जी. सो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 44 प्लस एक्स जीरो, जो 44 प्लस वाई जीरो कॉम्बिनेशन है. आप ये भी तो सोच सकते थे कि 44 प्लस वाई आ जाए, अकेला वाई क्रोमोसोम हो, यहां पे एक्स ना हो, तो इस तरह का जायगोट जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, वायबल नहीं है. एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले जीन्स होते हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो होना ही चाहिए, ठीक है. तो जो मेल टर्नर सिंड्रोम की बात अगर आप करें ना, तो वो वायबल नहीं है. तो बात लिखिए, इट इज अनवायबल या नॉन वायबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट. होता क्यों है टर्नर सिंड्रोम, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एन एलोसोम फ्री एग 22 प्लस 0 एंड अ नॉर्मल एक्स स्पर्म और अ नॉर्मल एग एंड एन एलोसोम फ्री स्पर्म, राइट जी. द इंडिविजुअल विल हैव 2N45 जो कि 46 होने चाहिए. सो क्रोमोसोम बन जाएंगे 44 प्लस एक्स 0, राइट जी, इंस्टेड ऑफ 46. सो टर्नर सिंड्रोम इज 44 प्लस XO कह दीजिए, X0 कह दीजिए, मतलब एक X मिसिंग है, राइट. नाउ फीमेल में दो X क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था दैट वन X क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल ऑलवेज रिमेन्स इनएक्टिव इन ऑल हर बॉडी सेल्स, सोमेटिक सेल्स में. अगर आप 44 प्लस XX भी लिखते हैं, आप जानते हैं 44 प्लस XX होने पर भी जो एक एक्स है फीमेल का वो तो इनएक्टिव होना जरूरी है. वही इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड बार बॉडी, राइट. तो फिर अगर एक एक्स नहीं है तो ये सिंड्रोम क्यों हो जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसका जवाब सुनिए. ये जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन है बेटा, ह्यूमंस में प्रेगनेंसी के 16वें दिन के करीब देखा गया है. तो इसका मतलब है कि उससे पहले दोनों एक्स फंक्शनल अवस्था में चाहिए. जब जायगोट बनता है 44 प्लस XX, जब तक 16th डे ऑफ प्रेगनेंसी है, उस समय चाहे सैकड़ों सेल्स हैं या जितने भी हैं, उसमें एम्ब्रियो में दोनों एक्स फंक्शनल अवस्था में होंगे, तभी वो नॉर्मल हेल्दी फीमेल होगी. अगर एक्स नहीं हुआ तो गोनेडल डिसजेनेसिस हो जाएगा, वो टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा. क्लियर है जी ये बात, समझ आ गया वेदव्यास जी, समझ आया मैंने क्या बोला है. मैंने ये कहा कि दो एक्स क्रोमोसोम होने पर भी एक तो बार बॉडी बनता ही है, तो अगर एक है ही नहीं तो उससे समस्या क्यों आ जाती है, why it is a syndrome, why it is Turner syndrome. उसका रीजन मैंने आपको समझाया है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में जब वो जायगोट बना है, उस समय जो है दोनों एक्स फंक्शनल अवस्था में चाहिए होते हैं, तभी वो एक हेल्दी फीटल डेवलपमेंट हो पाएगा. क्लियर है जी. सो मैंने दो बातें आपको रिलेट करके दिखा दी हैं, और ये भी बता दिया कि मेल के केस में 44 प्लस वाई जीरो कॉम्प्लीमेंट ये वाला पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक एक्स तो होना ही चाहिए नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्स क्रोमोसोम फंक्शनल अवस्था में चाहिए. वेरी गुड. हाँ बिल्कुल जेरी, आपने ठीक कहा, गोनेडल डिसजेनेसिस बोलते हैं ना इसीलिए इसको. अब मैं आपको एक पेशेंट की फोटोग्राफ दिखा रहा हूं इसमें, जिसमें आप देख पा रहे हैं, आप कैसे पहचान पा रहे हैं कि पेशेंट डाउन सिंड्रोम की है. आप इसकी गर्दन, वेब लाइक नेक देखिए, नेक में हमारे केस में ऐसे जैसे नॉर्मल नेक है. सो जब ये सिंड्रोम होगा तो आप इस तरह का नेक का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो वेब्ड नेक बोलते हैं इस चीज को. गर्दन के पास ऐसे लगेगा कि जैसे कंधों तक चलता हुआ एक वेब जैसा स्किन का फोल्ड है, दैट इज कॉल्ड वेब्ड नेक. क्लियर है जी. सार्थक कह रहे हैं फंडा एकदम क्लियर है, ग्रेट. रचना क्लियर है आपको, ओके जी. मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स, बिल्कुल वेदव्यास आपने ठीक लिखा है, राइट जी. बिल्कुल सोनम आपने भी ठीक लिखा है, 44 प्लस वाई जीरो कॉम्बिनेशन संभव नहीं है. जिक्र कर रहे हैं टर्नर सिंड्रोम का. टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में है और वो स्टेराइल होती हैं विद रूडिमेंट्री ओवरीज, इसीलिए मैंने कहा ना गोनेडल डिसजेनेसिस. Dysgenesis, D-Y-S-G-E-N-E-S-I-S. They are sterile females with rudimentary ovaries and the ovaries filled with connective tissue. Height kam hoti hai, 5 foot ya usse kam. Undeveloped breasts, small uterus, webbed neck. Ye important hai. Yahi webbed neck ka zikr main kar raha hoon. So aap dekh ke pehchan sakte hain patient, webbed neck.
राइट जी. एबनॉर्मल इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल कम होगा. कार्डियोवेस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज एंड हियरिंग इंपेयरमेंट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड वेसल रिलेटेड प्रॉब्लम एंड हियरिंग इंपेयरमेंट. सो आप देखिए, एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाने से कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. राइट जी, क्लियर है? मनमीत आपने ठीक लिखा है, बिल्कुल. वेद व्यास ठीक लिखा है जी आपने, ग्रेट, वंडरफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बार बार जिक्र होता है जेनेटिक्स में इसका, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो गया जी, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 44 प्लस एक्स एक्स वाई, दो एक्स क्रोमोसोम्स और उसके साथ एक वाई. आप ये बात जानते हैं कि एक के अलावा जितने एक्स और होंगे एक्स्ट्रा, वो बार बॉडी बन जाते हैं. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में अगर आपको ये एक्स एक्स वाई मिल रहा है तो एक बार बॉडी मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन शुरुआत के डेज में तो वो एक्टिव था. सो उस एक्स का होना कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मैलिटी तो कॉज करेगा ही, ठीक है जी. सो ये बनता कैसे है ये कॉम्बिनेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल एक्स वाई एग एंड अ नॉर्मल वाई स्पर्म, और नॉर्मल एक्स एंड एबनॉर्मल एक्स वाई, हालात दोनों हो सकते हैं. मान लीजिए ये एक एग है, एग में दो एक्स क्रोमोसोम है और जो वाई स्पर्म आया था उसमें नॉर्मल है क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट, राइट जी, तब हो जाएगा. या दूसरी अवस्था हो सकती है कि एग में तो एक ही है, जो स्पर्म है उसमें एक्स वाई है, तो भी ये कंडीशन हो गई, है ना. एक्स एक्स वाई की बात ही तो कर रहे हैं, तो हो सकता है जो ऊसाइट था वो एबनॉर्मल था, वो डबल एक्स कंटेनिंग था, ये भी तो हो सकता है. जिस स्पर्म ने आके उसे फर्टिलाइज करा है उस स्पर्म में एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है, तब भी 44 प्लस एक्स एक्स वाई कंडीशन हो जाएगी, राइट जी, क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, द इंडिविजुअल हैज 47 क्रोमोसोम्स, वो मैंने आपको बता दिया, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, राइट जी, एक बार बॉडी दिखेगा इसमें. नाउ यहां पे मैंने पेशेंट की एक तस्वीर भी दिखाई है आपको, एबनॉर्मली टॉल होते हैं, हाइट जरूरत से ज्यादा लंबी होगी इनमें, वॉइस जो है वो फेमिनिन होगा एंड लिम्ब्स जो है वो भी लॉन्ग है. दे आर स्टराइल मेल्स, अंडर डेवलप्ड टेस्टीज, मेंटल रिटार्डेशन, फीमेल लाइक स्पेयर्स बॉडी हेयर, शरीर पे बाल जो है वो कम होंगे, वॉइस जो है वो फेमिनिन पिच वाली है. गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू और द मेमोरी टिश्यू इन द मेल, दैट इज व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया. ये सिम्टम्स हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, क्लियर है जी, राइट. आगे बढ़ सकते हैं, बताइए जल्दी से. विजेंद्र क्यों नहीं हो सकता स्पर्म एक्स वाई, जब आप कह रहे हैं कि ओवा जो है वो एक्स एक्स क्यों हो सकता है, फिर बात तो वही है ना, जब मियोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम अलग होने चाहिए भाई, किसी कारण से नॉन डिसजंक्शन हुआ, वो नहीं अलग हो पाए, वो एक ही सेल में चले गए, बिल्कुल हो सकता है विजेंद्र, क्लियर जी. डॉक्टर सलमान ठीक है आपने, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं. सबीहा, अभय प्रताप, अभय प्रताप जी आप सिकल सेल एनीमिया या 11th क्रोमोसोम, ओके चलिए, सिकल सेल एनीमिया का जिक्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने शायद ये लेक्चर्स बहुत लेट ज्वाइन करे हैं बिकॉज शुरू में आपका नाम नहीं दिखता था मुझे स्क्रीन पे. सो पीछे के लेक्चर्स आप देखिए, सिकल सेल एनीमिया सब डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी. सर्वेश जी, फैजान, जेरी क्लियर है, ग्रेट. काबेरी, यस, काव्यांश कह रहे हैं कि क्या जानवरों में भी ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली जेनेटिक्स, यहाँ पे हम ह्यूमन जेनेटिक्स से बात कर रहे हैं, जानवरों में भी समस्याएं होती हैं, क्यों नहीं होती, ड्रोसोफिला के केस में नहीं आपने पढ़ा काम, तो ऐसा और एनिमल्स में भी है, ठीक है जी, राइट, बिल्कुल सोनम आपने ठीक लिखा है, ओके जी. आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज सुपर फीमेल, दैट इज पॉली एक्स फीमेल सिंड्रोम, सच इंडिविजुअल्स हैव 47, यानी 44 एक्स 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 या फिर 48, 44 प्लस एक्स 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 एक्स, इवन एक्स 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 एक्स. अब आपको हैरानी हो रही है इतने सारे एक्स कैसे आ सकते हैं, यस डेफिनेटली ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है. दीज आर सुपर फीमेल्स, दे आर एबनॉर्मली टॉल एंड हाइट. दीज फीमेल्स आर कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन ऑल्सो, राइट जी, क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट इस तरह का हो सकता है. इनमें बार बॉडी कितने होंगे, आप सादी भाषा में याद रखिए, एक एक्स फंक्शनल रहेगा,
एक एक्स को छोड़ करके बाकी जितने एक्स होते हैं ना वो बार बॉडी बन जाते हैं. अगर कोई 44 प्लस एक्स 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 तीन एक्स है तो मतलब एक एक्स फंक्शनल दो बार बॉडी, राइट जी. अगर चार है तो एक एक्स फंक्शनल तीन बार बॉडी, ऐसे ध्यान रख लीजिए, सिंपल. ओके, द नंबर ऑफ बार बॉडीज इज, बार बॉडी का नंबर अगर ढूंढना हो, इट इज वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. द फ्रीक्वेंसी एट बर्थ ऑफ दिस इज 1 in 1500. 1500 बच्चों में से देखा गया है कि एक बच्चे में लगभग ये इस चीज की संभावना देखी गई है. सिम्टम्स आर, इसमें सिम्टम्स क्या है, द सिम्टम्स आर मोर सीवियर विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम. जितने ज्यादा वो एक्स एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा ही सिम्टम्स जो है सीवियर होते जाएंगे. सच फीमेल्स आर टॉलर एंड जनरली फर्टिलिटी उनमें नॉर्मल देखी गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट जी. नाउ ऐसी ही कंडीशन सुपर मेल्स पॉली वाई मेल भी हो सकते हैं, जैसे पॉली एक्स था ना, यहां पे पॉली वाई. इट इज ऑल्सो नोन एज जैकॉब्स सिंड्रोम. सच इंडिविजुअल्स हैव 47, दैट इज 44 प्लस एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स. इट्स फ्रीक्वेंसी इज 1 in 1000. आई क्यू लेवल है. सच मेल्स आर टॉलर, दे आर नॉर्मल इन सेक्शुअल फंक्शन fertility and genitalia, right? लेकिन मैंने बताया कि इसमें एक समस्या जरूर देखी गई है. Y क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होने से देखा गया है कि क्रिमिनल टेंडेंसी जो है वो होती है. एबनॉर्मल हाइट होगी, बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो लंबा होगा, कद बहुत ज्यादा लंबा है. देयर इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हॉर्मोन्स. यू नो द शॉर्ट आर्म ऑफ द Y क्रोमोसोम. Y क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है इसके ऊपर हमने पढ़ा था, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द SRY, दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम. ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम है इसके ऊपर खास तरह के जो जीन्स प्रेजेंट है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. सो TDF जो है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जब ये बनेगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के होने के कारण जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाड है वो टेस्टिस बनाएगा. एंड यू नो दैट इफ टेस्टिस आर देयर, टेस्टिस आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हॉर्मोन लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, इंक्रीज इन हाइट, मसल मास, बियर्ड, मुस्टैचेस, वॉइस क्वालिटी. इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एग्रेसिव बिहेवियर, राइट जी. आपको याद होगा कैस्ट्रेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में, दैट व्हेन यू रिमूव द गोनाड्स, व्हेन यू रिमूव द टेस्टीज, व्हेन यू कैस्ट्रेट अ बुल, देन वी कॉल इट ऑक्स, राइट. Castration makes the animal docile, less aggressive, because the level of testosterone goes down. Such males, they are more aggressive than the normal males. Antisocial and criminal bent of mind. So, criminal syndrome ya Jacobs syndrome bhi keh dete hain ise. Clear hai ji itna? Super males, super females. राजा राम जी कह रहे हैं जी आज की क्लास में मजा आ गया. शिवानी ग्रेट, प्रिंसी सार्थक, युक्ता, पुनीता, सकांक्षा, वेदव्यास, दीपक. हाँ जी दीपक पूछ रहे हैं आपने वाई क्रोमोसोम को वाई जैसा बनाया क्यों है, ये सवाल तो मैंने आप लोगों से एक दिन पूछा था, वाई को वाई कहते क्यों है, आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया. मैंने कहा था वीडियो अपलोड होने के बाद जवाब दीजिएगा, नन ऑफ यू रिप्लाइड. किशन जी, सोनिया, संयोगिनी, काबेरी, प्रिंसी, ग्रेट. सो आप सब लोगों को समझ आ गया है. जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को, जबरदस्त से लाइक्स बनते हैं यार. इतने सही तरीके से आपने आज जेनेटिक डिसऑर्डर समझे, पेशेंट्स के सिम्टम्स को समझा, एंड इनफैक्ट मैंने साथ के साथ आपको पेशेंट्स के फोटोग्राफ्स भी दिखाए, और इतनी बेहतरीन जानकारी आज आपको मिली है. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द लेक्चर. आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यश तो आप पूछ सकते हैं, रंजन, काशिफ, साकांक्षा, पुनीता. आने वाली क्लासेस में हम और डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे अभी, राइट मेरे बेटा जी. ठीक है, मजा आ गया, डॉली कह रही है दैट्स वंडरफुल, ग्रेट. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो का लिंक आप आगे जरूर शेयर कीजिएगा. नॉलेज जो है वो बांटने से
बढ़ती है. ओके चलिए, सो हम लेक्चर के एंड पे आ गए हैं. आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th का टाइम टेबल बता दूं मैं फिर से. क्लास 11th में हम आपके साथ मिलते हैं मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडे. बायोलॉजी क्लासेस का टाइम रहता है 4 बजे. बायोलॉजी 4 PM, फिजिक्स 5 PM, केमिस्ट्री 6 PM. सो 4 बजे से 7 बजे तक आप हमारे साथ होते हैं क्लास 11th के सिलेबस के लिए, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. क्लास 12th के सिलेबस के लिए आप हमें मिलते हैं फ्राइडे, सैटरडेज एंड संडे. टाइमिंग सेम है 4, 5, 6. 4 to 5 इट इज बायोलॉजी, 5 to 6 इट इज फिजिक्स, 6 to 7 इट इज केमिस्ट्री. राइट मेरे राजा बेटा? ठीक है जी. ऐसा लग रहा है ना कि आज जल्दी क्लास खत्म हो गई. राइट, बिकॉज आपको शायद इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने में. नेचुरल सी बात है, जब आप एक ऐसी चीज पढ़ते हैं जो आपको पहले से भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, और जो उसे पढ़ा रहा हो उसने एक क्लियर साफ तरीके से आपको ब्यूटीफुल एनिमेशंस, पिक्चर्स एंड नोट्स के साथ वो चीज़ दिखाई हो, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और फिर समय का पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है. अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें थोड़ी बोरिंग भी लगती है, मुश्किल भी है, समझ भी नहीं आ रही है, तो नेचुरल सी बात हो जाती है उस चीज़ में लगता है कि टाइम जल्दी ख़त्म हो, भाई टाइम बीत ही क्यों नहीं रहा. लेकिन आज की क्लास में ऑब्वियसली आपको ऐसा लगा कि हमने इतनी जल्दी जल्दी जो है सारी चीज़ें सीख ली हैं. निलेश, मोहित, वेदव्यास, हाँ जी मोहम्मद मैंने लिया है आपका नाम, आप नाराज क्यों हो रहे हैं. जागृत, जगजीत, करिश्मा, पुनीता, कावेरी, सागरिका, युक्ता, कनीज, सुरभि, सकांक्षा, राहुल, हाँ जी बिल्कुल राहुल, हमने कलर ब्लाइंडनेस ये सब चीज़ें अभी आगे डिस्कस करनी हैं. अभी बहुत लंबे समय तक आप मेरे साथ हैं भाई, ऐसे चिंता क्यों करते हैं, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आपके साथ. राइट जी, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर में, कल हम डिस्कस करेंगे लिंकेज के बारे में. लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, दे आर व्हाट आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, और उनमें आपस में दूरी कम है या ज्यादा है, इसके आधार पे क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कल बताऊंगा, थोड़ा सा जिक्र करूंगा कल मैं कलर ब्लाइंडनेस का और हेमोफीलिया का भी. तो बने रहिएगा आप सब लोग हमारे साथ. एंड मैं आपको एंड में बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे इसके जरिए. मेरे दाएं बाएं जो आप देख पा रहे हैं ये आइकन्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और दूसरा पीडीएफ नोट्स जो हैं, जैसे ही ये लेक्चर अभी अपलोड होगा यूट्यूब पे, नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा जिसमें एक लिंक दिया होगा, उस लिंक में क्लिक कीजिएगा, आपको सारे ब्यूटीफुल नोट्स पके पकाए मिल जाएंगे. एंड द सेम अप्लाइज फॉर ऑल द लेक्चर्स जो पहले भी हम ले चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे. राइट बेटा जी, चलिए फिर से एक बार प्लस का जिक्र कर देता हूं मैं आपके साथ. प्लस का मेंबरशिप जब आप लेंगे तो नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, एंड दीज आर आवर सिस्टर चैनल्स. अगर आपकी टच में आपके कजन, फैमिली, फ्रेंड्स में कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें हमारा JEE का चैनल सजेस्ट कर सकते हैं. एंड छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए फाउंडेशन की बेहतरीन टीम है हमारी जो उन्हें फाउंडेशन के लिए तैयारी करवा रहा है. एक मजबूत नींव होती है जब तो एक मजबूत इमारत खड़ी होती है उस पे. इस बात से तो आप सहमत होंगे ना. सो क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए फाउंडेशन के चैनल्स हैं, और कभी कभार सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हम लोग भी वहां आकर के बच्चों से बातचीत करते हैं. ओलंपियाड के एग्जाम्स, KVPY एग्जाम्स, या इसके अलावा और NTSC जितनी भी चीज़ें हैं, अलग एग्जाम्स जो हैं जो बच्चों को मोटिवेटेड रखते हैं, वो सब भी हम वहां पे तैयारी करवाते हैं इसकी. राइट मेरे राजा बेटा जी, चलिए. सो इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा. आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय करा है. वेद व्यास जी, तान्या जी, सागरिका, राहुल, दामिनी, अंजलि, युक्ता, सोनम कटियार, वंडरफुल. चलिए जल्दी से लाइक्स को 500 तक पहुंचा देना है, जबरदस्त टारगेट रख के चलना है. एक लेक्चर हो डॉक्टर सचिन कपूर का आप जैसे बेहतरीन बच्चों के साथ और 500 लाइक्स ना हो तो मजा नहीं आता है फिर. राइट जी, पढ़ाने वाले बढ़िया हैं ये आपका कहना है, और मेरा कहना है कि पढ़ने वाले बहुत बढ़िया है, और हर बच्चे के अंदर मुझे तो टैलेंट नजर आता है भाई. मैं तो हमेशा से कहता हूं कि आप सबके अंदर टैलेंट छुपा है, बस उसे निखारने की जरूरत है. और उससे निखारने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा, जहां पे आपको इंडिया की द बेस्ट फैकल्टी मिलती है. आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र सर हैं, आपके ऑल टाइम फेवरेट अश्विनी सर हैं,
नमो सर हैं एंड मैं भी हूं आपको कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए, राइट मेरे राजा बेटा जी। चलिए सो आज हमने काफी सारी बातें कर ली और इसके साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय आ गया। मन तो नहीं कर रहा है अभी विदा लेने का, दिल कर रहा है कि आपसे थोड़ी बहुत और बातें भी करी जाएं, बट जी चलिए आपका दूसरा लेक्चर भी है सो आपके साथ अब हमें यहीं पे आपको छोड़ते हुए मुझे जाना होगा, राइट। अंजलि, दामिनी, सोनम, वेद व्यास, हेमंत, अभय, पुनीता, मिनती, हुमा खान, फातिमा, राइट जी। आज तो मैंने बहुत सारे बच्चों के नाम लिए और मुझे नाम काफी रट गए और ज्यादा। चलिए जी बाय बाय।